पुणे के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत राइस मिल के समीप एक खुदरा व्यवसायी अनिल पंडित के साथ कुछ लोगों के द्वारा मारपीट किए जाने का मामला प्रकाश में आया है। अनिल पंडित का उपचार पुणे के सदर अस्पताल में किया जा रहा है। उपचार के दरमियान अपनी बातें बताते हुए अनिल पंडित ने बेवजह मारपीट करने एवं 1,10,000 रुपया छीन लेने का आरोप भी लगाया। साथ ही घटना के बारे में बताते हुए वे रोने भी लगे। इस संदर्भ में हरदा कवैया इलाके के कुछ लोगों का नाम सहित कार्रवाई करने के लिए मरंगा थाना में आवेदन दिया गया है। अनिल पंडित ने बताया कि उसके मंझले भाई से उन लोगों का रुपये का लेन देन है, किंतु उससे कोई विवाद नहीं था, फिर भी उसके साथ मारपीट की गई है। अनिल पंडित ने बताया कि उसे अचानक राइस मिल के समीप घेर लिया गया और जब उन्होंने बचने की कोशिश की तो दिवाकर मेहता, प्रदीप यादव, राकेश यादव, बंटी मेहता एवं विजय यादव के साथ साथ कुछ अज्ञात लोगों ने उसके साथ मारपीट की और रुपया भी छीन लिया, जिसके बाद स्थानीय मरंगा थाना की गश्ती पुलिस ने उसे उपचार के लिए सदर अस्पताल पहुंचाया। सर, हम घर से आ रहे थे और बैंक जा रहे थे रुपया जमा करने। महिंद्रा शोरूम से पहले हमको प्रदीप यादव और ये सब मिलकर रवैया का था और दिवाकर मेहता, बंटी मेहता और विजय यादव, राकेश यादव, गुल्ला यादव, ये सब मिल के हम जब उसको देखे हमको लगा कि हमारा ही पीछा कर रहा है सब। हम सर एक हमारे साथ जो भतीजा था उसको मैंने बढ़ाओ गाड़ी लगता है कि सुबह का जो झंझट हुआ था दूसरे से ये लोग टीम बना लिया है, कहीं पैसों तैसा नहीं छीन लो। हम सर जाने लगे, जाने क्रम विद्या विहार रोड हम घुस गए सर। बचने के क्रम में हम सोचे थाना नहीं पहुंच सकेंगे, नहीं ये लोग हमको मार देगा। हम सर ढूंके विद्या विहार तो उसी के वहीं पे ढूंके के क्रम में हमको घेर के बहुत मार मारा सर। मेरा 1,10,000 रुपया और मोबाइल भी छीन लिया। हम बेहोश पड़े थे वहाँ, किसी ने वहाँ से फोन किया थाना, तब थाना प्रभारी ने अपना गाड़ी भेजा और हमको उठा के यहाँ लाया। बच्चे को और हमारी पत्नी को रात में धमकी दिया कि अगर केस नहीं उठाओगे तो हम जान से मार देंगे तुमको, तुम जहाँ पैर भी करना है पैर भी कर लो सर। अनिल पंडित का भाई सुजीत पंडित ने कुछ तस्वीरें देते हुए कहा कि इन्हीं लोगों ने बेवजह उसके भाई के साथ मारपीट की है, जबकि उसके भाई का इन लोगों के साथ कोई विवाद नहीं था। जिन लोगों का नाम लिया जा रहा है मारपीट में, उन लोगों से क्या विवाद है आप लोगों का? तो क्यों मारेगा आपको कोई? विवाद यही था, ठीक ना, जिसमें क्या वो दिवाकर मेहता जो है तो उनका ससुर का कुछ मेरे मतलब भाई से लेन देन चल रहा था, ठीक ना। उसके दरमियान इसका मेन लीडर है दुर्गा मित्रा, मेन लीडर जो है दुर्गा मित्रा। ये सब लड़का जितना भी है आप 20,000-40,000 रुपया दीजिएगा आपका मर्डर कर देगा। ये सब ये लड़का है टोटल, जितना का नाम बोला भैया सब वही लड़का है। इसके नाम से पहले से भी 20-25 को FIR दर्ज है, मगर थाना प्रभारी कुछ नहीं करता, सब मान लेकर छोड़ देता है। मेरे जिससे लेन देन है वो मेरे घर के बगल का, ये जो मारा है कवैया का 5 किलोमीटर दूर का। क्यों मारा वो? अभी बात तो हम नहीं कर सकेंगे। पैसा लेके जा रहा था 1,10,000 रुपया स्टेट बैंक खाता खुलवाने के लिए, कोई लोन का काम हो रहा था। इसके साथ में मेरा भतीजा भी था रोशन कुमार नाम है, वो भी इसका पैर भी किया, भैया मत मारिए, भैया मत मारिए, बस मारपीट करके इसका पैसा भी छीन लिया और मोबाइल था सैमसंग का J7 Prime वो भी लेकर चला। इस संदर्भ में दूसरे पक्ष की ओर से प्रदीप यादव ने बताया कि अनिल पंडित तीन भाई हैं और तीनों भाई व्यापारी है और ये लोग किसानों को बहला फुसला कर मक्का खरीद लिया है और रुपया मांगने पर किसानों के साथ मारपीट करता है और उन लोगों ने भी इसी को मक्का बेचा था, जिसमें से कुछ रुपया उसे दिया गया और अधिकांश रुपया रख लिया गया। जब शेष रुपया मांगने वे लोग गए तो उन लोगों के साथ मारपीट करने लगा, साथ ही फांसी लगाकर फंसा देने की धमकी भी दी। प्रदीप यादव ने कहा कि उसे फोन पर गोली मारने की धमकी भी दी गई थी, जिसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी उसके पास है। मारपीट में जो हम लोग को फंसाया गया है 5 लड़का को, उसमें से कि एक भी लड़का हम लोग मारपीट पे है नहीं, जिसमें कि दिवाकर दीप उनके घर पे पहले रुपया के लिए गए थे, मक्का का रुपया उनके पास बाकी था और रुपया बोले कि रुपया दो तुम हमको, तो रुपया नहीं देने लगे, इसी में गाली गलौज हुआ। उसके बाद दिवाकर दीप को मारपीट किए, उसके बाद दिवाकर वहाँ से निकल गए। उसके बाद जो है कि होड़िल पंडित जो है वो अपने भाई आपस में मारपीट करके उसके बाद हम लोग को फंसाया गया। बाद में जो है सुजीत पंडित हम लोग को कॉल किए कि तुम लोग को जो है जान से मार देंगे, दुर्गा पूजा के अंदर में तुम पाँचों को गोली मार देंगे हम लोग।
उसके बाद तो हम लोग बस इतना ही जानकारी है कहाँ पे मारपीट भी नहीं हुआ, ये चीज़ की जानकारी नहीं है होली पंडित को कैसे मार लगा या नहीं लगा। अच्छा, आप लोगों के आप लोगों को जब इस तरह से धमकी दिया गया तो थाना में कुछ आवेदन वगैरह दिए हैं कि नहीं? थाना में आवेदन दिए हैं और सुजीत पंडित का रिकॉर्डिंग है मेरे पास, तुम पाँचों को गोली से मार देंगे। रिकॉर्डिंग भी है? हाँ, रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास अवेलेबल। तो उनका कहना था कि मेरा भाई खरीद बिक्री करता है, वो उससे झमेला था लेकिन मेरे से नहीं था और मुझे मारा गया। ये सर तीनों का तीनों भाई जो है खरीद बिक्री करते हैं, ठीक है, और तीनों के पास जो है पैसा है हर व्यक्ति का। अभी तक मैं मार्केट में कम से कम वो किसान का उधारी उनके ऊपर लगभग 50 लाख रुपया ड्यूज होगा। जो भी उनके पास रुपया के लिए जाते हैं उनको मारपीट करके घर से भगा देते हैं क्योंकि रुपया छोड़ देंगे, दोबारा मेरे पास नहीं है। अच्छा, रुपया हड़पने का तरीका है ये? जी सर, ये रुपया हड़पने का उसका तरीका है। मेरे साथ हम होरिल पंडित के घर पे गए थे पैसा मांगने के लिए, मक्का का पैसा बाकी था तो बोले पैसा, तो बोला कि पैसा नहीं देंगे, तो बोले पैसा क्यों नहीं देगा, पैसा बाकी है। तो इसी बीच में तीनों चारों भाई बाप बेटा सब मिल के मेरे पास मारपीट करने लगा और देखिए यहाँ से मारा गया और उसके बाद रुपया देने से इनकार कर दिया, बोला जिस बाप के पास जाना है जाओ, हम किसी से नहीं रहते हैं, जो करना है कर लो। तो शिकायत आप लोग कर दी ना थाना में? जी, थाना में शिकायत कर दी है।